हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक बिना कंपटीशन वाला बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिना कंपटीशन वाला बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आपने इस प्रोडक्ट को दिन में बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके भी हम महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जिस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ, वो मशीन आपके गांव में अभी तक किसी ने अभी नहीं लगाई होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं इतने बड़े शहर में रहता हूँ और हमारे शहर में भी अभी तक जो है इस मशीन को किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में और इस मशीन के बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। और दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो और दिन में 5 से 6 घंटे काम करते हो, तो आप दिन के 5,000 रुपये तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है आज के इस बिज़नेस की, इस बिज़नेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि आपको एक दिन भी रेस्ट नहीं मिलेगा। यानी आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करके ज़िंदगी भर कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो इस बिज़नेस के बारे में, इस मशीन के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी सिलेक्ट कर लो, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो बिजनेस है वो है एल्यूमिनियम फॉइल मेकिंग बिजनेस। ये देखिए, ये रही एल्यूमिनियम फॉइल बनाने की मशीन। मशीन कैसे काम करती हैं और मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एल्युमिनियम फॉइल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। दोस्तों, एल्युमिनियम फॉइल का यूज नाश्ता बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा होता है। नाश्ता बाज़ार में फास्ट फूड को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका यूज घरों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। रोटी को गर्म रखने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। प्रत्येक घर के अंदर एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम फॉइल की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं किस प्रकार इस मशीन से एल्युमिनियम फॉइल के रोल तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आपको नॉर्मल एल्युमिनियम फॉइल का जो रोल होता है उसको इसके अंदर डालना होता है, फिर यह मशीन ऑटोमेटिक उसके ऊपर रोल लपेटती रहती हैं। आप इसके अंदर कितना रोल लपेटना चाहते हो वो इस मशीन के अंदर सेटिंग कर सकते हो। ये जो आप रोल देख रहे हो, इसके ऊपर 9 मीटर रोल लपेटा जा रहा है। आप ज़्यादा लपेटना चाहते हो तो ज़्यादा भी लपेट सकते हो, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल की जो नॉर्मल साइज़ जो होती है मार्केट के अंदर, जो एल्युमिनियम फॉइल मिलता है उसके ऊपर 9 मीटर एल्युमिनियम फॉइल ही लपेटा हुआ होता है। तो आप 9 मीटर एल्युमिनियम फॉइल ही लपेटे। ज़्यादा लपेटना चाहते हो तो आप इस मशीन के अंदर सेट कर सकते हो। नॉर्मल आपको रोल को डालना होता है, फिर कुछ इस प्रकार से सेट करना होता है, फिर ये मशीन ऑटोमेटिक उसके ऊपर रोल लपेटना स्टार्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी मशीन है और एल्युमिनियम फॉइल बनाना भी बहुत ही ईजी है। आप भी इस मशीन को अपने घर पर या बहुत ही छोटी सी जगह पर लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे एल्युमिनियम फॉइल बनाकर उनको मार्केट के अंदर सेल करके बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस मशीन के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर आप कॉल करके इस मशीन के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस मशीन की ट्रेनिंग भी आपको वही देते हैं, बताते हैं पूरा आपको एकदम प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार से इससे एल्युमिनियम फॉइल बनाए जाते हैं। देखा दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर एल्युमिनियम फॉइल बनाना कितना इजी है। आप भी इतनी इजी तरीके से इस मशीन से एल्युमिनियम फॉइल बना सकते हो। एल्युमिनियम फॉइल बनाने के बाद आपको इनकी पैकेजिंग और लेबलिंग करनी होती है।
पैकेजिंग के लिए जो भी बॉक्स होता है वो आप मार्केट से बनवा सकते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी कंपनी की लेबलिंग करवा सकते हो, यानी अपनी कंपनी या अपने ब्रांड का जो भी नाम होता है वो छपवा सकते हो। फिर आपको एल्यूमिनियम फॉइल के रोल को बॉक्स के अंदर डालना है और फिर इन्हें मार्केट के अंदर सप्लाई करना है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आप मार्केट में ऐसी दुकान जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल पहले से ही बिक रहा है वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अपने एल्यूमिनियम फॉइल की जो प्राइस है वो आप 1-2 रुपये कम रख सकते हो, जिससे वो आपके एल्यूमिनियम फॉइल लेने लग जाए। और नाश्ता मार्केट जो होता है वहाँ पर बहुत सारी लॉरियाँ खड़ी होती हैं, एक लॉरी के ऊपर दिन में कम से कम 5 से 10 एल्यूमिनियम फॉइल जाते ही जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने एल्यूमिनियम फॉइल सेल कर सकते हो। अगर हम इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यह मशीन 1 घंटे में 300 एल्यूमिनियम फॉइल के रोल तैयार कर देती है। अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे इस मशीन के ऊपर काम करते हो तो आपके 1500 रोल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 से 6 घंटे में आप 1500 एल्यूमिनियम फॉइल के रोल इस मशीन से तैयार कर सकते हो। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एक एल्यूमिनियम फॉइल का जो रोल है वो आपके 20 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट के अंदर ये रोल 25 रुपये तक सेल होता है, यानी एक एल्यूमिनियम फॉइल रोल के पीछे आपको 5 रुपये मिलते हैं। तो दिन के अगर आप 1500 रोल अच्छी खासी मेहनत करके मार्केट के अंदर सप्लाई कर देते हो तो 5 × 1500 यानी 7500 रुपये, यानी इस बिजनेस को करके आप एक दिन के 7500 रुपये कमा सकते हो। महीने की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आपके महीने की कमाई हो गई लगभग 210,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस को करके आप महीने के 210,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। आपको मार्केटिंग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग ही हर बिज़नेस के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप मार्केटिंग अच्छी खासी कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस को करके महीने के 2 लाख रुपये तक कमा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बिज़नेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।